Here in the 34th part of it, it says Kirti thinks substitution reaction occurs in saturated hydrocarbon. On the contrary, Dusri taraf, Krishi thinks it occurs in unsaturated hydrocarbons. They are saying justify the valid reason. Whose thinking is correct? Out of these two people's, Kirti thinking is correct. क्योंकि सब्सिट्यूशन रिएक्शन किस में होता है? डकर्स इन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. आप देखो कैसे, इफ यू कैन रिकॉल देयर इज अ एग्जांपल इन द बुक, मिथेन लेते हैं वो, क्लोरीन में ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एक एच की जगह, चार एच में से एक एच की जगह किसने रिप्लेस कर लिया, क्लोरीन ने. और वही क्लोरीन किससे जाके मीट हो जाएगा, एच से एच सी एल बना देगा. सो वी नीड टू रिमेम्बर वॉट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन वी आर यूजिंग. We are using a saturated hydrocarbon, जो किसको रिप्लेस कर रहा है, क्लोरीन को, एंड फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस. और ये चीज हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ नहीं हो सकती. सेकेंड सिचुएशन में हमें दिया हुआ मिथेन एंड प्रोपेन आर देयर आइसोमर्स एज यूज एज फ्यूल्स. इन दोनों को किस में यूज किया जाता है, फ्यूल्स बनाने में. दे आर सेइंग ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इमीडिएट लोअर होमोलिक ऑफ प्रोपेन. प्रोपेन से छोटा कौन सा है, वी हैव इज इथेन. तो इथेन का आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, पहले फॉर्मूला लिखो उसका. इथेन का क्या होता है, सी टू एच सिक्स इज द, और सी कितने हैं हमारे, दो हैं यहाँ पे. सो हाउ मैनी एटम्स आई नीड टू ड्रॉ हेयर, इट वुड बी फोर फॉर द कार्बन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हो गए, फोर हो गए. देन वॉट वी नीड टू डू इज वी नीड टू पुट एच अराउंड इट. सारी जगह हमें क्या करना है, एच लगाना है. लगा दिए छह एच हमने. अब क्या करोगे आप, यू वुड बी मेकिंग अ सर्कल अराउंड एट ऑफ देम. राइट साइड पे भी सर्कल बनाओगे एट ऑफ देम पे. सो दैट इज नथिंग बट इथेन. ठीक है, एंड दे आर सेइंग गिव एनी टू करेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस ऑफ गिवन होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जो किससे डिफर करती है, सी एच टू से. जैसे हमारी एल्केन की सीरीज है, उसका भी डिफरेंस कितना होता है, सी एच टू का डिफरेंस होता है. या आप ये भी कह सकते हो 14 मॉलिक्यूलर मास का यूनिट डिफरेंस होता है. तो उसके क्या करेक्टर्स होते हैं, दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला. फॉर्मूला तो सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहता है. अगर एल्केन की बात कर रहे हैं तो एल्केन की करेंगे, ठीक है. एल्कोहल की बात कर रहे हैं तो एल्कोहल की करेंगे. देन दे आर सेइंग उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी रहती हैं, सिमिलर रहती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है. रिमेंबर दैट. अगर बाय चांस कोई पूछ ले कि होमोलोगस सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है या नहीं होती है, तो बिल्कुल होती है. नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में, दे आर सेइंग द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग. कैन यू प्रिडिक्ट व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज. वो कह रहे हैं इथाइन और एयर को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को क्यों यूज कर रहे हैं. Because the mixture of ethane and oxygen is sufficient in sufficient amount undergoes complete combustion. ये जो इथाइन और ऑक्सीजन होता है ना, ये किस में जाता है, कंप्लीट कंबशन में जाता है. तो रेसिड्यू कम छोड़ेगा. रेसिड्यू का मतलब क्या है, गलत गंदे सब्सटेंसेस कम रिलीज करेगा, क्योंकि ये तो क्लीन ब्लू फ्लेम देता है हमें, ठीक है. एंड इन प्रेशर ऑफ इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इथाइन डज नॉट अंडरगो कंप्लीट कंबशन. वो कंबशन अच्छे से नहीं कर पाता, इस वजह से फिर वो सूटी फ्लेम देने लग जाता है. इसलिए ऑक्सीजन और इथाइन को प्रेफर किया जाता है कि उन दोनों को मिक्स करें और प्रोडक्ट बनाएं.